गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आज आए हैं पढ़ने के लिए? सभी बच्चे आए हैं कि कुछ सो? हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखो, ये कौन है? लड़का। लड़का। और ये कौन है? ये कौन है? लड़की। लड़की। मैंने पिछली बार बताया था ना, इसका लड़का का क्या नाम है? लड़का। हाँ, इसका क्या नाम है? लड़का। क्या नाम है? यश। और ये है लड़की, इसका क्या नाम है? रमा। क्या नाम है? रमा। तो यश और रमा दोनों क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों? खेल रहे हैं। दोनों मित्र हैं, ठीक है। तो यश ने रखा एक डब्बा और रमा ने रखा दूसरा डब्बा, ठीक है। तो यश ने पहले जब रखा एक डब्बा और उसके बाद रमा ने भी एक डब्बा रख दिया, तो ये कितना डब्बा हो गया बताओ? दो। यानी कि यश और रमा ने क्या चीज, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया? क्या किया इन्होंने? प्लस। प्लस। प्लस को क्या कहते हैं हिंदी में? जोड़। बोलो जोड़। इन्होंने डब्बे को डब्बे के ऊपर रखा तो ये जुड़ गया, तो एक के बदले दो डब्बा हो गया, एक यश का डब्बा एक रमा का डब्बा, दो डब्बा हो गया, ठीक है। अब आज यश और रमा खेल रहे हैं, तो क्या किया रमा ने? आज अपना डब्बा हटा दिया और केवल यश का एक डब्बा रह गया। तो आज इन्होंने क्या किया बताओ? ये क्या चीज का चिन्ह है, क्या चीज का निशान है? माइनस। घटाना। यानी कि किसका चिन्ह है ये? घटाना। तो इन्होंने क्या किया आज यश और रमा ने? एक डब्बे में से दूसरा डब्बा हटा दिया, यानी कि इन्होंने घटाना दिया, कम कर दिया, यानी कि एक एक ही डब्बा बच गया ना। यश और रमा दोनों के बीच में कितना डब्बा बच गया? सिर्फ एक। यानी इस चिन्ह को कहते हैं घटाना। ये कौन सा चिन्ह है? हाँ, सामने अपने मोबाइल में देखो तब दिखेगा। हाँ, ये कौन सा चिन्ह है वरुण? सामने देखो। हाँ, घटाना, ठीक है। हाँ, यानी कि दो घटाने एक, दो घटाने एक, इन्होंने क्या किया? दो में से एक को घटा दिया, तो कितना बच गया? इसे क्या पढ़ेंगे? नहीं, ये क्या है? माइनस तो ये है, माइनस तो ये है, ये क्या है? बराबर का चिन्ह। बराबर। बोलो बोलो। बराबर। बराबर एक। बराबर कितना आ गया? बराबर एक। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ देखेंगे सभी बच्चे। ये देखो मेरे पास एक क्या है, प्लेट में क्या है? सबको दिख रहा है क्या है ये? बोलो रोहन, बताओ बेटा क्या है ये? रोहन आपकी आवाज नहीं आ रही है, रोहन की आवाज नहीं आ रही है, अपना स्पीकर ऑन करो। वरुण, वरुण तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर ऑन करो। हाँ ये देखो, ये क्या है? टमाटर। कितने हैं? कौन गिनेगा? एक दो तीन। वेरी गुड, तीन। एक दो तीन, तीन टमाटर है। अब मुझे सब्जी बनानी है, तो मैंने तो एक टमाटर ले लिया सब्जी बनाने के लिए। अब बताओ कितने टमाटर बचे? दो। एक दो। कितने टमाटर बचे? दो। दो। वेरी गुड। सबकी आवाज नहीं आ रही है वरुण, आपकी आवाज नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। अभी नंदनी, सब लोग देखो, अब बताओ इस प्लेट में कितने टमाटर हैं? एक दो तीन चार। दो तीन चार। एक दो तीन चार। कितने टमाटर है? चार। अच्छा, अब मुझे वापस से दाल अब बनाना है मुझे, तो मैंने दो टमाटर ले लिए। दो, कितने टमाटर मैंने निकाले इसमें से? दो। बताओ प्लेट में कितने टमाटर हैं?
दो, दो. तो चार में से मैंने दो, दो. चार टमाटर में से मैंने दो टमाटर निकाल लिए, तो कितने टमाटर बच गया है? दो. दो. वेरी गुड. अरे वाह, मेरे बच्चे तो बड़े होशियार रहे हैं ना. ठीक है, चलो अब आज की हम पढ़ाई शुरू करेंगे. सर पीडीएफ प्लीज. आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देखिए. आज आज हमारा सुविचार है. पहले आज की आप लोग तारीख देखिए, कितनी तारीख है आज की, दिनांक पढ़िए. नौ दस. क्या तारीख बत पढ़ा रही हूँ, गिनती थोड़ी. नौ तारीख है, नौवां महीना है और वर्ष है 2020. आज का हमारा सुविचार क्या है? पेड़ लगाओ. आप लोगों को पता है बच्चों, आप लोग को हमेशा कम से कम रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो आपको एक पेड़ लगाना है. पता है ना आपको पेड़ क्यों लगाना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? पेड़ लगाऊं, पेड़ हमें छाया देती है, पेड़ से हम बरसात में बचते हैं, पेड़ों की ही वजह से वर्षा होती है. ऐसे बहुत सारे कारण हैं. आप लोग अभी इतना खाली जानो कि आप लोग पेड़, मतलब एक छोटा सा पौधा भी लगाओगे, अपने गमले में भी पौधा लगाओगे तो बहुत अच्छी बात. ठीक है, चलो आज का हमारा क्या विषय है? आओ घटाना सीखें. आओ हाँ सीखें. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे देखो क्या है. अच्छा ये देखो क्या चीज का ये फोटो है, क्या चीज का चित्र है? सभी बच्चे दिख रहे हैं, सबको दिख रहा है ना? हाँ क्या है ये बताओ, क्या है? चिड़िया. हाँ, एक पेड़ की शाखा पर चिड़िया बैठी है. अच्छा जरा गिन के बताओ कितनी चिड़िया है? एक दो तीन चार. एक दो तीन चार. चार चार. बोलो चार चिड़िया है. ठीक है, अब देखो नीचे दूसरा चित्र देखो. अब क्या हुआ इस चित्र में, इस फोटो में क्या देख रहे हो? अब पेड़ पर कितनी चिड़िया बची है? दो. दो. और दो चिड़िया क्या हो गई? उड़ गई. फुर्र से उड़ गई है ना. चिड़िया तो एक जगह ज्यादा देर तक बैठ के रह नहीं सकती, तो पहले चार चिड़िया बैठे, उसमें से दो चिड़िया उड़ गए, तो कितनी चिड़िया बच गए? दो. बच्चों आप लोग पहले इधर बात करो, पीछे बात मत करो. नेक्स्ट पिक्चर यहाँ देखिए, गमले में क्या है? बच्चों बताओ गमले में क्या है? गमले में क्या है बच्चों? बच्चों बताओ इस गमले में क्या है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है. गमले में फूल है. क्या है गमले में? फूल. कितने फूल है? फूल. हाँ गमले में कितने फूल है बेटा बताओ? एक दो चार पांच फूल है. हाँ गमले में पांच फूल है. अब आगे देखिए, ये आंटी क्या की, गमले में से कितने फूल तोड़ ली? दो. कितने फूल इन्होंने निकाले? दो. अब कितने फूल बचे हैं गमले में? एक दो तीन. कितने फूल बचे हैं? तीन. दो तीन. की
इन्होंने पांच में से दो फूल निकाला तो तीन बचा, तो इन्होंने अभी यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, क्या किया, माइनस। हाँ अब आगे देखिए, यहाँ देखिए इस छोटे से बास्केट में क्या बैठे हैं, कौन है छोटे छोटे, चिड़िया। कितनी चिड़िया है, गिनिए, दो तीन पांच, पांच। कितनी चिड़िया है, पांच। अच्छा अब ये पांच चिड़िया में से, बास्केट में से कितनी चिड़िया बाहर गई, दो। तो एक, तो दो चिड़िया बाहर चली गई, कितनी चिड़िया बच गई, एक, तीन चिड़िया बच गई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, हाँ ये क्या है बच्चों, कौन सा जानवर है, कौन सा, मेढक। अच्छा आपको पता है ना मेढक कहाँ रहता है, मेढक पानी में रहता है, हाँ दोनों जगह मेढक रहता है, ठीक है। तो ये सब मेढक मिलके खेल रहे हैं, कितने मेढक है, तीन। और बाजू में सामने देखिए क्या है, पानी है, तो एक मेढक क्या किया, पानी में जोर से छलांग लगा दी, पानी में क्या किया वो मेढक, जंप कर दिया। अब कितने मेढक बच गए, दो। तीन में से एक मेढक कूद गया तो दो मेढक बच गए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, घटाना हुआ, ठीक है, ऋण। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पहले चित्र में क्या आप लोग देख रहे हो, तीन लड़कियां खड़ी हैं, हाँ। अब तीन में से हमने दो लड़कियां को हटा दिया तो कितनी लड़की बची, दो। वो चली गई तो कितनी बची, एक। दो, दो चली गई तो एक बची, यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या कम करने के लिए अर्थात घटाना कहते हैं। जब किसी संख्या से में से कोई संख्या को कम किया जाता है तो उसको हम घटाना कहते हैं, और उसके लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार देखा, ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाना का चिन्ह है, और ये किसका चिन्ह है, बोलो, बराबर। ये किसका चिन्ह है, बराबर, वेरी गुड। अब आगे बढ़िए, हाँ अब देखिए यहाँ पे पहले डब्बे में क्या बना हुआ है, पहले बॉक्स में चॉकलेट, चॉकलेट। अरे वाह, चॉकलेट तो बड़ी अच्छी तरह पहचान जाते हो आप लोग, कितने चॉकलेट है जरा गिनो, फिर से गिनो, आठ। आठ में से कितना चॉकलेट हमने घटाया, एक, दो, तीन। तो कितने चॉकलेट बच गए, नहीं गलत बता रहे हो, ध्यान से बताओ, आठ में से जब चॉकलेट जाएगा, किसने कहा पांच, नाम बताओ अपना, पांच चॉकलेट बच गए, ठीक है, वेरी गुड, क्लैप करो सब लोग बाकी बच्चे। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट फोटो में क्या देख रहे हो, आइसक्रीम, क्या है, आइसक्रीम। अब गिनो कितने आइसक्रीम है, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, छः। कितने आइसक्रीम है, छः। अब छः आइसक्रीम में से वरुण ने चार आइसक्रीम खा लिए तो कितने आइसक्रीम बचेंगे, दो। दो कितने आइसक्रीम बचेंगे, दो। हाँ अब नीचे देखिए, अब यहाँ पे जो गोले बने हैं कितने हैं, गिनिए,
पांच। पांच में से कितना घटाया गया है? कितना घटाया गया है पांच में से? तीन। कितने बच गए? तीन। कितने बच गए? दो। दो बच गए। ठीक है, अब अगला देखिए, यहाँ पे कितना चित्र है, कितना फोटो है ये व्हील का? चार। कितना चार? चार। हाँ, चार में से कितना घटाया गया है? दो। तो कितने बच गए? दो। तो यहाँ हम डब्बे में कितना लिखेंगे? दो। और नीचे भी हमें संख्या लिखनी है कि ऊपर चित्र कितना है, पहले वो लिखना है। चार घटाने दो बराबर दो। हाँ बोलो बच्चों, आप लोग। चार घटाने दो बराबर दो। ठीक है, अब अगला चित्र देखिए। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो बताओ मुझे? कितने डब्बे? दो। और यहाँ पे लिखा भी है दो। हाँ, दो में से कितना आना है? एक। हाँ, तो कितना कितना बच जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक बच जाएगा। हाँ, दो घटाने एक बराबर एक। हाँ, नीचे देखिए, पढ़िए। तीन में से कितना घटाया गया है? एक। तीन में से एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? दो। दो। कितना वहां में कितना लिखेंगे? दो। अब आगे बढ़िए, बताइए ये क्या लिखा है, पढ़ के बताइए जोर से। फोर। फोर है, फोर है, तीन। चार। चार घटाने चार में से घटाया है एक। कितना बच गया? तीन बच गया। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? छह। कितना? कलर मल्टी कलर कलर। छह। छह में से हमें कितना घटाना है? दो। तो कितने बचे? दो, तीन, चार। कितने बच गए? चार। हाँ बहुत अच्छा, आगे देखिए। हाँ, यहाँ पर अब हमें जोड़े मिलाना है। कैसे जोड़े मिलाना है? तीन, पहले बताइए कि तीन में से दो जाएगा तो कितना बचेगा? दो। तीन, तीन घटाने दो कितना बचेगा? एक। तो एक। हाँ, तो एक एक चित्र कहाँ बना हुआ है? हाँ, तो उसको तीर द्वारा जोड़ेंगे। एक गोला बना हुआ है ना? हाँ, तो उसको हम तीर द्वारा जोड़ेंगे। अच्छा, अब देखिए दूसरा नंबर पे, चार घटाने दो। जब चार में से दो जाता है तो कितना बच जाता है? दो। दो। दो, डब, दो चित्र कहाँ बना है? गोला या डब्बा कुछ बना है? दो। हाँ, तो फिर हम उसको तीर से जोड़ दिए। दो वस्तु जहाँ बनी है उसको हम जोड़ दिया। अच्छा, तीसरा देखिए, क्या लिखा है? छह में से, छह में से कितना गया? तीन गया। छह में से, हाँ, तो कितना बच गया? दो। हाँ, आप लोग अपने उंगली निकाल के भी गिन सकते हो। देखो मेरी उंगली, छह में से जब तीन गया तो तीन बच गया। फिर हमने तीन को तीर से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कितना है लिखा? सात। कितना लिखा है? सात। सात उंगली, सब लोग सात उंगली। अब सात में से जब तीन जाएगा तो कितना बचेगा? चार। चार। चार वस्तु कहाँ बनी हुई है? वेरी गुड, तो हमने ऐसे जोड़ दिया। तो ये हुआ हमारा जोड़े मिलाओ। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, ये अब आप लोग अपने
किताब को खोल लीजिए, पेज नंबर 32। सभी बच्चों के पास गणित की बुक है, गणित है ना, गणित की। हाँ, पेज नंबर 32 खोलो सब लोग। पेज नंबर 32 खोला बेटा। हाँ हाँ, देखो अभी यहाँ पे क्या बताया है, यश के पास 3 जामुन थे। यश के प्लेट में कितने जामुन है, गिनो सब। 1, 2, 3 अब उसने 2 जामुन रमा को दे दिए। जैसे कि यश और रमा दोनों मित्र है ना, आप लोगों ने देखा है ना, यश और रमा दोनों कौन है, दोस्त है। हाँ, फ्रेंड है। तो उसने अपने फ्रेंड को 2 जामुन दे दिया। अब प्लेट में कितना जामुन बचा, एक। प्लेट में कितना जामुन बचा, एक। हाँ, तो 3 में से, जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक। 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, एक। अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी सब मेंढक बैठे हुए हैं। कितने मेंढक बैठे हैं, गिनो। 2, 3 नहीं, 4, 5 पहले 5 मेंढक बैठे हैं, गिनो पहले। 1, 2, 3, 4 और एक जो मेंढक छलांग मारा ये भी पहले ऊपर बैठा था। टोटल कितने मेंढक बैठे थे, 5। कितने मेंढक बैठे, 5 में से एक मेंढक पानी में कूद गया तो कितने मेंढक ऊपर बच गए, 4। देखो लिखा हुआ है ना, 5 घटा 1। नीचे के डब्बे में क्या हम लिखेंगे, 4। वेरी गुड। और देखो इसको हम 2 प्रकार से भी लिख सकते हैं, आरा भी। 5 1। एक और देखो, यहाँ डब्बा बना है, 5 घटाने 1 कितना लिखेंगे बराबर, 4। हाँ, 4। आप लोग समझ गए ना कि दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे दोनों प्रकार से हम जोड़ कर सकते हैं, उसी प्रकार हम दोनों प्रकार से घटाना को भी लिख सकते हैं। हाँ, अब आगे देखिए, अगले पेज पर, पेज नंबर 33 खोलिए, 33। 3, 3, 33 हाँ, देखो इस चित्र में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर पहले कितने अंडे थे, गिनो। 4 अंडे। चार। क्या हुआ, एक अंडा फूट गया। कितना अंडा बचा, 3। कितना अंडा बच गया, 3 अंडा बच गया। हाँ, अब आगे वाले चित्र में देखो, आप लोग खेलते हैं, हम लोग गेम खेलते हैं, पत्थर पे पत्थर रख के फिर उसको गेंद से मारते हैं, तो कितना पत्थर रखा हुआ था, गिनो सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, ये 7 पत्थर रखे थे जिसमें से गेंद मारी गई, तो कितने पत्थर यहाँ वहां उड़ के गिर गए, गिनो। 1, 2, 3, 4। तो कितने बच गए, एक के ऊपर एक कितने पत्थर बच गए, 1, 2, 3। तो ये एक कहानी है बेटा, ऐसे ही छोटी छोटी घटाने की कहानी आपको भी बनानी है, आपको भी अपने मन से सोचना है कि कैसे एक कहानी है, जैसे 4 अंडे थे, एक अंडा फूट गया, 3 अंडा बचा, यहाँ पे बच्चे लगोरी खेल रहे हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बॉल से मारा गया, फिर 4 पत्थर उड़ गए, 3 बच गए, तो ये एक कहानी है। तो ऐसी छोटी छोटी कहानियां आपको भी सुननी है और बनानी है। अच्छा, अब जैसे हमने पिछली बार देखो बताया था कि जोड़ के कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे मिलाना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, धन, ऐसे। इसी प्रकार आज हम कट हो जाए हटने के पर्यायवाची शब्द सीखेंगे। ये देखो यहाँ पे बच्चे के हाथ में देखो बैलून है आपके बुक में, तो हर बैलून पर कुछ ना कुछ लिखा है, जैसे पहले लिखा है बच गया,
क्या लिखा है? बचत, खर्च किया, खर्च किया, बोलो शेष। हाँ, निकाल लिया, जैसे किसी भी चीज में से कोई चीज को निकाल लिया जाता है तो कहेंगे निकाल लिया। दिया, जैसे आप लोग बोलते ना मेरे पास चार चॉकलेट था, मैंने तुझे दो चॉकलेट दिया, तो दिया। बोलो सब बच्चों, दिया, दिया, घटाया, बोलो घटाया, उड़ गए, उड़ गए। हम बोलते ना अरे मेरे पास तो 5 रुपए थे, मैंने चॉकलेट खरीदा, मेरे 4 रुपए तो उड़ गए, खर्च हो गए, तो उड़ गए। हाँ, खाए, क्या कहेंगे? खाए, खाए, कम हुए, बोलो कम हुए। हाँ, किसी भी चीज से कोई भी चीज कम हो जाते। इस प्रकार घटाने के कई सारे और भी पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची नाम है, जिससे हमें जानते हैं कि वो घटाना है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? अब आगे पन्ना पलटिए, अगला पेज देखिए, पेज नंबर 34। ये आपकी किताब में है ना, आप अपने बुक में देख सकते हो। सब बच्चे किताब खोले हैं? हाँ बेटा, तो देखो अपनी अपनी बुक में देखो, पहले फोटो में क्या बताया है, देखो चित्र देखो और चौखट पूरा करो। ठीक है, ये तो ये हमारा होमवर्क है, तुम लोग ध्यान से देख लो। पहले यहाँ पे पहला कितना स्माइली बना हुआ है, कितना चित्र बना हुआ है, गिनो। एक, दो, तीन। हाँ, अब हमने तीन चित्र में से एक चित्र को कट कर दिया, यानी कि एक चित्र को दिया, एक चित्र को क्या कर दिया, दो कर दिया। तो कितने बचे हैं? दो। बहुत अच्छा, बराबर दो। हाँ, अगले चित्र में देखो तारे कितने बने, स्टार कितना है, अब ठीक उसी प्रकार चार में से हम दो को कट कर देंगे, दो तारों को हमने कट किया, निशान लगाया, तो कितने तारे बच गए? दो। तो कितने बच गए? दो। अगला चित्र देखो, ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज कितना बना है, गिनो। एक दो तीन चार पांच। हाँ, पांच में से हमने दो को कट किया, कितने त्रिभुज को कट किया, दो। ध्यान से देखो, नीले पेन से। हाँ, कढ़ा, तो कितना बच गया त्रिभुज, गिनो। एक दो तीन, कितना बच गया बेटा, तीन। तो यहाँ हम डब्बे में क्या लिखेंगे, स्क्वायर कितना बना है, चौकोन कितना बना है, गिनो। एक तीन, तीन में से हमने दो को कट किया, तो कितना बच गया, एक। कितना बच गया, एक। तो यहाँ चौखट में हम क्या लिखेंगे, एक। बच्चों ये पेज जो बताया ना मैंने, पेज नंबर 34, 32 और 33, 33 तो कुछ नहीं का होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको घर करना, घर पे। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ है। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, अभी हमें, मुझे एक बार और आप लोग बताइए कि हम घटना के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, और उसको घटाने को आप लोग बोलते हैं ना माइनस, इंग्लिश में क्या कहते हो, क्या कहते हो घटाने को, माइनस। तो और क्या कहेंगे हम, बच गए।
आवाज नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, हाँ बोलो, बच गए, कम हुए, कम हुए, खाए, कम हुए, लड्डू था हमने इतना लड्डू खा लिया वैसे, खाए, शेष, बोलो, शेष, निकाल लिया, यहाँ देखो नंदिनी, यहाँ देखो सब लोग, हाँ निकाल लिया, अब दिया, जैसे मेरे पास चार चॉकलेट थे, मैंने आपको दो चॉकलेट दिया, उड़ गए, उड़ गए, घटाया, आया, खर्च किया, बोलो खर्च किया, हाँ तो ये सब, हाँ ये देखो यहाँ पे आपके बुक में ना बैलून बना हुआ है, ये सब यहाँ पे बैलून में यही सारी चीजें लिखी हुई है, तो ये सब जो है घटाना के पर्यायवाची शब्द है। तो बच्चों आप लोग समझ गए आज हमने क्या सीखा, घटाना माइनस, हम हाँ अब तक हम प्लस और माइनस दोनों सीख गए हैं, ठीक है बच्चों समझ गए आप लोग, किसी को कुछ जान पूछना है, सबको पार्ट समझ में आ गई, टीचर को पहले थैंक यू बोलो, थैंक यू टीचर, बोलो थैंक यू टीचर, वेलकम, बाय बाय टीचर, बाय टीचर, बाय, नमस्ते, नमस्ते।